तुम कहो तो बनारस का घाट या कहो तो बनारस की लस्सी, कुछ तो था जो छोड़ आया मैं बनारस में। गंगा आरती के शोर में घाटों की सैर तक और गंगा के पानी में भीगते तुम्हारे आंचल में। सही कहा है, तुम बनारस से चले तो जाते हो पर अपना दिल यहीं छोड़ जाते हो। और बनारस की सुबह में आपका स्वागत है। मैं इस समय जंगलवाड़ी ना जंगलवाड़ी में है और ये हमारे साथ, इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर बढ़िया फर्स्ट क्लास कचौरी और जलेबी का बढ़िया नाश्ता हो रहा है सुबह सुबह की बनारस में आके। ऊपर सब्जी बिकी फूल है, पनीर सब रहती है। हाँ, पनीर वनीर डाल के बढ़िया। तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ जी बच्चा यादव जी के यहाँ पर आके, और अब सुबह सुबह का नाश्ता कीजिए तो अलग ही मज़ा आएगा। बनारस का जो नाश्ता है सुबह सुबह का, कचौरी और जलेबी का। इनकी कचौरी थोड़ी सी अलग है, मतलब थोड़ा पूड़ी वाला फ्लेवर लग रहा था मुझे, लेकिन बीच में हल्की दाल डालते हैं ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लग चुकी है हमारी यहाँ पर बनारस की स्पेशल वाली जो ये पूड़ियाँ हैं, और ये आलू की सब्जी देखिए कितनी तरीके से बनाई गई है। आलू की सब्जी ट्राई करते हैं इसको हम। इसके अंदर देखिए गोभी वगैरह भी है, तो बहुत बढ़िया एकदम। भैया थे जिन्होंने मेरा मोबाइल पकड़ लिया, थोड़ा मेरे को सावधानी हो गई। बढ़िया, अच्छी हुई बात, बहुत बढ़िया। मैंने आगरा में भी खाई है, मैंने कई जगह ट्राई की है, लेकिन ये वाली जलेबी जो है उसका टेस्ट थोड़ा अलग है। एकदम क्रंची आ रही है, ऊपर से अंदर जो है जो चाशनी है वो घुल के आ रही है, बहुत बढ़िया। लीजिए सर। और इस समय अभी मैं बैठा हूँ रिक्शा पे, आप रिक्शा वगैरह ले सकते हैं यहाँ से। कोदोलिया चौक एक मेन स्पॉट है वाराणसी का, जहाँ पे आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, और इस कोदोलिया चौक से आप दशाश्वमेध घाट की तरफ जा सकते हैं जहाँ पे काशी विश्वनाथ का मंदिर है। पहले उस घाट तक जा सकते थे आप रिक्शा वगैरह लेके, लेकिन अब अलाउड नहीं है, तो आप कोदोलिया चौक तक जाएंगे। कोदोलिया चौक से वॉक करते हुए फिर आप जाएंगे। इस समय आप देख सकते हैं मैं हूँ इस रिक्शा पे, आराम ले रहा हूँ, और एंजॉय कीजिए क्योंकि ये थोड़ा पुराना बनारस है। आपको पुराने घर मिलेंगे, पुराने मकान मिलेंगे, और उसके बाद आप पहुंचेंगे कोदोलिया चौक। यहाँ पर आसपास आप होटल्स वगैरह भी ले सकते हैं, बहुत सारे खाने की ऑप्शंस भी आपको लगातार मिलेंगे। यह है वो चौक जहाँ पर आपको रास्ता लेना होगा काशी विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर और दशाश्वमेध घाट की तरफ। तो वहाँ सर आप जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं, गंगा घाट पर जाकर आप स्नान कर सकते हैं। यह है वो कोदोलिया चौक। और इस समय फिलहाल मैं खड़ा हूँ दशाश्वमेध घाट की तरफ, और पीछे जो आप देख रहे हैं लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। बहुत सारी नावें हैं जो आपको हर तरह तरह के घाट तक लेके जाएगी। और अभी जिस तरह से मैंने अपने आप को ढाल लिया है, या आप देख सकते हैं मेरे माथे पर भोले बाबा का एक ओम बना हुआ, और इसी के साथ ये चोला जो मैंने धारण कर लिया, तो इसे थोड़ा सा ना वाइब आ रहा है मुझे यहाँ पे बनारस की। और बनारस की खूबी कुछ इसी तरह से है कि आप ढल जाते हैं यहाँ के रंग में। और सुबह का मौसम है, अभी सुबह के करीब बजे हैं 9:30। मैं दशाश्वमेध घाट पर हूँ। इस घाट का बहुत ज़्यादा महत्व है, और ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने 10 अश्वमेध जो थे वो सेक्रीफाइस किए थे यहाँ पर, और यहाँ पर स्नान करना मोक्ष के बराबर माना जाता है। रात को यहीं पर ही गंगा आरती होती है, काफ़ी संख्या है अभी क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर काफ़ी लोग आए हैं, और वीकेंड भी है, और इसीलिए मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगा घाट को। और जो वाइब है, थोड़ा सा साउंड है, क्राउड बहुत ज़्यादा है, लेकिन गंगा स्नान करके आप यहाँ पर पास में काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर की तरफ मैं आया हूँ, ये पीछे आप देख रहे हैं बहुत सारी नाव, और
ये वो जगह है जहाँ पे गंगा आरती होती है। थोड़ा यहाँ पर काफ़ी सारे स्पॉट बनाए गए हैं जहाँ पे शाम को गंगा आरती होती है, और मैंने कल भी गंगा आरती अटेंड की, मैं आज भी अटेंड करने वाला हूँ थोड़ा और करीब से। लेकिन जो ये एटमॉस्फियर है, जो यहाँ पर माहौल है, आप देख सकते हैं गंगा नदी पूरी तरह से, और ये नावें जहाँ पर हम नाव लेके पूरे घाटों के दर्शन कर सकते हैं। दशाश्वमेध घाट पे थोड़ा सा नज़ारा जो है थोड़ा काफ़ी बेहतर है। आपको पूरा दशाश्वमेध घाट एक बार फिर से वापस से मैं थोड़ा वॉक करके जाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर पंडितों के थोड़े स्थान बने हुए हैं जहाँ पर आप कुछ यदि पूजा पाठ वगैरह या भी कुछ ऐसे संस्कार करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। छोटे छोटे उनको स्पॉट दिए गए हैं, और कुछ लोग हैं जो यहाँ पर गंगा घाट पर किनारे बैठ के पूजा पाठ भी करते हैं, कुछ लोग जो है दिए वगैरह भी जलाते हैं, स्नान करते हैं, बहुत खूबसूरत। संकल्प दक्षिणा क्या करा दे 151 पंडित जी को भोजन दक्षिणा जो बोलिए। बनारस काशी का हृदय स्थल ये दशाश्वमेध घाट पर मैं बैठा हुआ हूँ, जहाँ यहाँ पर शाम को ठीक है कि नहीं 7 लोग मिल करके आरती करते हैं, ठीक है, जो विश्व प्रख्यात आरती है, गंगा सेवा निधि कराती है, ठीक है कि नहीं। वहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर, माता अन्नपूर्णा, माता विशालाक्षी का मंदिर है, ठीक है, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग में आते हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंग में आते हैं, काशी विश्वनाथ, मल्लिकार्जुन, भीमा शंकर, महाकालेश्वर, ठीक है, ऐसे ऐसे करके 12 ज्योतिर्लिंग आते हैं, जैसे में एक विश्वनाथ बाबा भी हमारे हैं, काशी विश्वनाथ जी, ठीक है। उनके बगल में माता अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, जो काशी विश्वनाथ जी शंकर भगवान खुद उनसे भिक्षा मांगे हैं, काशी में यहाँ अन्न की कमी नहीं होती है, वो इससे उनसे भिक्षा मांगे हैं। यहाँ काशी विश्वनाथ का मंदिर, बाबा काल भैरव जो यहाँ के, ठीक है कि नहीं, वो कहलाते हैं, क्या नाम है, काशी के कोतवाल, विश्व प्रख्यात नगरी है, 9 खंड पृथ्वी और 10वां खंड काशी, 9 खंड में पूरी पृथ्वी है और अलग 10वें खंड में काशी है, ठीक है, ये बाबा के स्वरूप है, ठीक है कि नहीं। जब 9 खंड को राजा हरिचंद ने दान दे दिया, ठीक है कि नहीं, तो उसके बाद राजा हरिचंद को कहीं रहने के लिए जगह नहीं था, उनके लिए एक खंड बचा था जो था काशी, तो राजा हरिचंद काशी आए, काशी आने के बाद और कल्लू डोम, ठीक है, राजा कल्लू डोम, ठीक है, जो कल्लू डोम जो राजा थे, ठीक है कि नहीं, जो अंतिम संस्कार हरिश्चंद्र पे घाट पे करते थे, ठीक है, राजा हरिश्चंद्र ने वहाँ पे नौकरी किया है उनके यहाँ, ठीक है कि नहीं, अंतिम संस्कार किया है, क्या नाम से कि लोगों का, ठीक है, फिर उसके बाद वो स्वर्ग लोक को गए हैं निंदा में, ठीक है कि नहीं। एक मोक्ष की नगरी काशी है, यहाँ लोग मरने के लिए आते हैं, ठीक है कि नहीं, यहाँ लोग शांति के लिए आते हैं, मोक्ष की नगरी काशी है, काशी परम। सब वॉकिंग करके और आप जब आते हैं तो एक खिचड़ी बाबा का मंदिर आता है, जहाँ पर आप खिचड़ी का प्रसाद ले सकते हैं, बहुत बढ़िया खिचड़ी प्रसाद ज़रूर लें आप खिचड़ी बाबा के मंदिर में। और अभी पीछे जो अभी देख रहे हैं, ये एक मेन द्वार है काशी विश्वनाथ मंदिर का, ऐसे 4 द्वार है लेकिन ये मेन द्वार है, कोई नंबर इस पर नहीं है। ऊपर आदि शंकराचार्य जी की एक स्टैचू बनाया हुआ है और यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं अंदर, जब जैसे जाएंगे गली में से होते हुए, आगे कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं यहीं से कुछ बताना चाहूँगा आपको कि काशी विश्वनाथ मंदिर जो था वो अभी प्रेजेंट में जो स्टैचू है जो बनाया गया है मंदिर, वो अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था, और उसके बाद महाराजा जो रणजीत सिंह थे उन्होंने 1000 किलो सोना दान दिया, और उसके बाद से गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। बीच में बहुत चीज़ें हुई, इसे ध्वस्त भी किया गया, शाहजहाँ ने सेना तक भेजी थी, औरंगजेब ने भी किया, यहाँ पे एक मस्जिद भी बनवाई थी मंदिर को तोड़कर। तो चलिए अंदर चलते हैं, गली में देखते हैं गली में क्या है खास, और उसके बाद दर्शन करेंगे बाबा काशी विश्वनाथ की। जय भोले।
दर्शन करके मैं आया ही हूँ, और दर्शन के लिए मैं इनका थोड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इनके साथ ही मैं गया था, और अब थोड़ा अंदर जाके वीआईपी दर्शन भी आपको हो जाते हैं, और पूरी तरह से इन्होंने जो काशी विश्वनाथ मंदिर का पूरा पूजा पाठ था, सारा कुछ था, वो अच्छे से बताया हमें। तो और इनसे अभी दोबारा जानेंगे सारी चीज़ें, बाकी आप आ सकते हैं और प्रसाद वगैरह जो है वो यहाँ से आप ले सकते हैं आसानी के साथ। देखिए प्रसाद वगैरह है, थोड़ा बता दीजिए दुकान के बारे में। यहाँ मंदिर परिसर में कुछ भी जाएगा नहीं, अगर रखना होना तो यहाँ निःशुल्क लाकर सकता है, लॉकर का कुछ चार्ज नहीं लगता है, जो प्रसाद लेना ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि महाशिवरात्रि है तो उस चक्कर में थोड़ी सी भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, और काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में ही माँ अन्नपूर्णा का भी मंदिर है, और ऐसा इन्होंने मुझे बताया था कि काशी विश्वनाथ जो थे उन्होंने उनसे जब भिक्षा ली थी तो कुछ चावल लिए थे, वो चावल यदि आप अपने लॉकर वगैरह में रखते हैं तो आपका धन धान्य की प्राप्ति होती है, और माँ अन्नपूर्णा का भी दर्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आप आए हैं बनारस में और काशी विश्वनाथ के मंदिर दर्शन कर रहे हैं। मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, ज्योतिर्लिंग है, और अहिल्याबाई होलकर ने वो बनाया था, उस पर सोने की परत है गोल्डन टेम्पल की तरह, जो महाराजा रणजीत सिंह है सिख जो थे राजा थे उन्होंने पंजाब के राजा उन्होंने ये किया था। और आपको मंदिर परिसर में काफ़ी कुछ दिखेगा, माँ पार्वती का भी है, अन्नपूर्णा जो माता है अन्नपूर्णा माँ उनका भी मंदिर है, और पीछे एक मस्जिद भी है ज्ञानवापी जो औरंगजेब ने मंदिर के परिसर को तोड़ के बनाई थी। तो काफ़ी अच्छी जगह, और आप आएँ मोबाइल वगैरह जो भी हैं वो तो आपको लॉकर में इस तरह जमा करने पड़ेंगे, बाकी आप अंदर जाके बिल्कुल आप दर्शन कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा यहाँ पर बनारस में। काशी विश्वनाथ मंदिर में जब आप दर्शन कर लेते हैं तो आपको जो माला मिलती है वो आप गंगा में प्रवाहित कर सकते हैं, और दर्शन मैंने कर लिए हैं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मंदिर में दर्शन करने का। आपको छोटी छोटी सकरी गलियां मिलेंगी जहां पर आप दर्शन करेंगे, और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ का मंदिर आता है, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि काफ़ी ऐसी चीज़ें जो इतिहास में रही हैं कि पीछे एक मस्जिद भी है जहाँ पर कभी ज्योतिर्लिंग हुआ करता था, और उसके बाद राजा हरिश्चंद्र जो थे उन्होंने पहली बार इस मंदिर का निर्माण करवाया था, और उसके बाद इस मंदिर को तोड़ा गया, और फिर से एक पंडित थे राजा टोडरमल थे उनके मदद से उन्होंने मंदिर बनवाया, उसके बाद फिर शाहजहां सेना लेके आया, औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया, और उसके बाद फाइनली अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर बनाया। इस समय मैं दशाश्वमेध घाट पर हूँ, और ये महाशिवरात्रि का पर्व भी है, तो उस लिहाज से भी एक खास हो जाता है बनारस में होना। यहाँ पर लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, और शाम को गंगा आरती का मनोरम दृश्य एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल ये थी हमारी स्पेशल बनारस की सीरीज़, और इसके और भी एपिसोड ऐड करेंगे जैसे जैसे मैं आगे भी बनारस आऊंगा, क्योंकि देव दिवाली बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन महाशिवरात्रि पर बनारस घूमना अपने आप में बहुत ही सुनहरा एक्सपीरियंस है। ये था हमारा बनारस का स्पेशल सीरीज़। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और बहुत जल्दी मैं लेके आऊँगा बनारस का एक टूर गाइड, जहाँ पे मैं आपको एक्चुअली बताऊँगा कि आप 2 दिन में कैसे पूरा बनारस घूम सकते हैं, क्या कॉस्ट रहेगी, और क्या क्या जगह आप घूम सकते हैं, सब कुछ डिटेल में ये लेके आने वाला हूँ इटिनरी आप लोगों के लिए। फिलहाल तो जोर से बोलेंगे भोले बाबा की जय, बाय बाय। Thank you.